देवास जिले के नेमावर में सामूहिक हत्याकांड की घटना के बाद पीड़ित परिवारों को 1-1 करोड़ के मुआवजा, संबंधित पुलिस अधिकारियों को निष्कासित करने की मांग के साथ इंदौर कलेक्टर कार्यालय पर शनिवार दोपहर को मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी और कर्मचारी संघ के लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। देवास जिले के नेमावर में बीते माह हुए सामूहिक हत्याकांड के मामले में आरोपियों द्वारा सख्त कार्यवाही की मांग के साथ पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता की मांग करते हुए विभिन्न संगठन और राजनीतिक दल लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी और कर्मचारी संघ के अध्यक्ष के लोगों द्वारा शनिवार दोपहर को इंदौर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी का प्रदर्शन किया। इस दौरान संघ के लोगों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम कलेक्टर कार्यालय स्थित तहसीलदार सुदीप मीणा को ज्ञापन दिया। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। नेमावर की घटना से अनुसूचित जाति जनजाति समाज में अत्यंत आक्रोश है। इस घटना को लेकर पूरे प्रदेश में आंदोलन हो रहे हैं। समाज के लोग जगह जगह जाकर के कलेक्टर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं। आज यहाँ भी उसी परिप्रेक्ष्य में माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम सभी सामाजिक संगठनों मिलकर ज्ञापन दिया है। हमारी प्रमुख मांग ये है कि जो रणनीतिक जो एक योजना बनाकर हत्या की गई है, उन हत्यारों को तत्काल फांसी की सजा दी जाए और उसके बाद जो 5 करोड़ का मुआवजा समाज ने मांग रखी, तत्काल मुख्यमंत्री द्वारा मंजूर किया जाना चाहिए और वहाँ के जो पुलिसकर्मी हैं उनको तत्काल सेवा समाप्त की जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका वहाँ के एडिशनल SP की है, थाना प्रभारी की है और देवास पुलिस अधीक्षक की है। इनको तत्काल हटाया जाए, अन्यथा समाज बहुत बड़ा आंदोलन करेगा। जैसे फास्ट ट्रैक में भी मध्य प्रदेश सरकार ने उनको दे दिया है, इसके अलावा आप और क्या मांग करते हैं? फास्ट ट्रैक के अलावा हमारी मांग प्रमुख मांग है 5 करोड़ का मुआवजा, क्योंकि उस परिवार के आगे पीछे कोई बचा नहीं है, पूरे परिवार की हत्या कर दी गई है। 5 करोड़ का मुआवजा तत्काल मिलना चाहिए और देवास पुलिस अधीक्षक और नेमावर के जितने पुलिस हैं सबको तत्काल सेवा समाप्त करना चाहिए और देवास पुलिस हटाना चाहिए। ये हमारी प्रमुख मांग है। विधायक को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं, ऐसे कुछ तथ्य सामने आ रहे हैं कि उनके वहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ भी संपर्क रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हो गई, 45 दिन हो गए, पुलिस क्या कर रही थी? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि पुलिस क्या कर रही थी। JCB लाया गया, JCB से 10 फीट गड्ढे गहरा खोदे गए और शवों को उसमें गड्ढे गहरे में डाला गया, यूरिया मिलाया गया, नमक मिलाया गया। आप कल्पना कर सकते हैं कितनी बड़ी घटना है ये, उनके साथ बलात्कार हुआ है। इतनी बड़ी घटना को इस प्रकार से दबाया नहीं जा सकता। समाज इसको लेके कड़ा आंदोलन करेगा जब तक उनको पूरी समाज की मांग नहीं पूरी की जाती। आपका नाम है? करण भगत, जिलाध्यक्ष अजाक्स, इंदौर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।